हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको बस बाकी लोगों को कन्विंस करना है मिशन के लिए। हथियार, एक्सप्लोसिव, ग्रेनेड जो हमारी आर्मी इस्तेमाल करती है वो हम आपको देंगे, और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना भी हमारी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी होगी। वो ठाकरे और अडवाणी को उड़ा डालो और ऐसा मारो कि साला तुम्हारा कोई हिम्मत ना करे। ठाकरे की सिक्योरिटी बहुत ढीली है, घुसना मुश्किल नहीं है। अरे जब मर्जी उसकी जिंदगी हलक से निकाल सकते हैं अपन। एक हाथ मिलाओ, हार पहना दो। दोनों ठाकरे और अडवाणी जन्नुम रसीद। तुम लोग क्या समझते हो, ये सब इतना आसान है? ये इतना आसान काम नहीं है। चैलेंज करते क्या तुम मेरे को? हम लोग ठाकरे और अडवाणी के 1 किलोमीटर की दूरी तक नजदीक नहीं जा सकते। अरे करने का बहुत तरीका है, बताने का जरूरत नहीं मेरे को। बुरा से बुरा हुआ तो उसका सिक्योरिटी का आदमी को खरीदने का जरूरत है बस। वो भी नहीं हुआ तो ट्रक में बम भर के रात को उसका घर में घुसा दो। लिबनान में ईसाइयों के साथ जो होता है वही करने का। बाप एक बात बोली। बोल। ये हिंदुओं के लीडर को हम ठोक डालेंगे तो उसे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसे हमारा जहाद पूरा नहीं होगा। उनको ठोक डालेंगे तो क्या होएगा? ये हिंदू उनको खुदा बना देंगे, मंदिर वंदिर बनाएंगे उनके, अपने मुसलमानों के लिए और मुश्किल हो जाएगा उधर बाहर। कैसा नहीं हो सकता कि हुकूमत हिंद और हिंदुओं को झुकाया जाए? मुसलमानों को ही क्यों झुकना है, उन्हीं को क्यों डरना है? मैं कहता हूं कि अब की बार ऐसा कुछ किया जाए कि हर हिंदू की रूह काम जाए। ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। 60 करोड़ हिंदू है, सबको एक साथ खत्म नहीं कर सकते। बम्बई भा, क्या मतलब तेरा? भा बम्बई, हिंदुस्तान का अखा इकोनॉमी उधर से इचना। बम्बई पर हमला बोलेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर अखा दुनिया को मालूम पड़ेगा भा। अखा दुनिया का लीडर, यूएन सब हिल जाएगा भा। अरे सिस्टम का तो मां बहन हो जाएगा, हिल जाएगा सब कुछ। और भा सबसे जरूरी बात, अखा दुनिया को मालूम पड़ना मांगता है कि इस्लामी ताकत क्या है। मैं बोलता भा मंत्रालय पर कब्जा करो, म्युनिसिपैलिटी, एयरपोर्ट, अखा नेता को उड़ा दो भा। एक बार बम्बई में अंगार लगेगा ना तो पूरा का पूरा सिस्टम का वाट लग जाएगा, हिंदुस्तान हिल जाएगा, उनका इकोनॉमी नीचे आएगा। इंशाल्लाह ये सक्सेस हुआ ना भा तो कभी दोबारा किसी मुसलमान को कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। मुसलमान सामने आएगा तो मुंह देगा अपनी धोती में। इस सब को सक्सेस करने के वास्ते रोकड़ा मांगता भा। सही बोला तू, इतना रोकड़ा आएगा कहां से? पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन करोगी क्या?